विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एजुसेट टेलीकास्ट प्रायोजित कार्यक्रम के यूट्यूब पटल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं भूप सिंह शास्त्री, संस्कृत अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रुड़ियावास मातनहील, कक्षा 8 के लिए रुचिरा भाग 3 से सातवा पाठ भारत जनता हम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। यह पाठ प्रसिद्ध आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित है। हम पाठ का अध्ययन करने से पहले पाठ में आए श्लोकों का सस्वर गायन करते हैं, तो आइए करते हैं सस्वर गायन। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिरोभयं, सुविवेका भारत जनता हम, विज्ञान धनाहं ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यातम सुधा तटिनी सानहि परिपूता भारत जनता हम, मम गीतैर मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर मुग्धं समम जग, रस भरिता भारत जनता हम, उत्सव प्रियहं सारं प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे तिथि देवा, भारत जनता हम, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलताया पर्याय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम, पश्यन्ति भारत जनता हम, विश्वस्मिन् जगति गताहम् अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्य भारत जनता हम। सस्वर गायन के बाद अब हम श्लोक गायन और अन्वय और उनका हिंदी अनुवाद देखते हैं। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अन्वय, अहम भारत जनता अभिमान धना विनियोपेता शालीन चास्मि, अहम भारत जनता कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा अस्मि। अर्थात मैं भारत जनता, भारत की जनता, अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना सभ्य च और अस्मि हूँ। अहम मैं भारत जनता, भारत की जनता, कुलिसादपि वज्र से भी कठिना कठोर, कुसुमादपि फूल से भी सुकुमारा कोमल अस्मि हूँ। अर्थात मैं भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और सभ्य हूँ। मैं भारत की जनता समय आने पर वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हूँ। अगला श्लोक, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्योभयम्, सुविवेका भारत जनता हम। अन्वय, अहम भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि, अहम वसुन्धराम च कुटुम्बं मन्ये, अहम सुविवेका भारत जनता प्रेयः श्रेयः च उभयम् चिनोमि। अर्थात अहम मैं भारत जनता, भारत की जनता समस्ते पूरे संसारे संसार में निवसामि, निवास करती हूँ, रहती हूँ। अहम मैं वसुन्धराम पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को च और कुटुम्बम परिवार मन्ने मानती हूँ। अहम मैं सुविवेका अच्छे विवेक वाली, अच्छी बुद्धि वाली भारत जनता, भारत की जनता प्रेयः प्रिय श्रेयः कल्याणकारी च और उभयम दोनों को चिनोमी चुनती हूँ। मैं भारत की जनता समस्त संसार में निवास करती हूँ। मैं भारत की जनता पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। अहम मैं सुविवेका अच्छे विवेक वाली
भारत जनता, भारत की जनता, प्रिय प्यारे श्रेय कल्याणकारी चय और उभयम दोनों को चिन्हों में चुनती हूँ मैं। अच्छे विवेक वाली भारत की जनता प्यारे और कल्याणकारी दोनों रास्तों को चुनती हूँ। अगला, विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नान ही परिपूता भारत जनता हम। अहम भारत जनता ज्ञान धना विज्ञान धनास्मि, साहित्य कला संगीत परा अस्मि, अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नान ही परिपूता अस्मि। मैं भारत जनता, भारत की जनता, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, विज्ञान धना विज्ञान रूपी धन वाली अस्मि हूँ। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण हूँ अहम मैं। अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म रूपी तटिनी अमृत की नदी में स्नानई स्नान द्वारा परिपूता पवित्र अस्मि हूँ। मैं भारत की जनता ज्ञान रूपी धन वाली, विज्ञान रूपी धन वाली हूँ और साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण हूँ मैं। अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान द्वारा पवित्र हूँ। आगे, मम गीतैर मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। अन्वे, मम गीतैर समम जगत मुग्धम अस्ति, मम नृत्यैर समम जगत मुग्धम अस्ति, मम काव्यैर समम जगत मुग्धम अस्ति, अहम रस भरिता भारत जनता अस्मि। अर्थात मम मेरे गीतई गीतों से समम संपूर्ण जगत संसार मुग्धम मोहित अस्ति है। मम मेरे नृत्य नृत्य से समम संपूर्ण जगत संसार मुग्धम मोहित अस्ति है। मम मेरे काव्यई काव्य से समम संपूर्ण जगत संसार मुग्धम मोहित अस्ति है। अहम मैं रस भरिता, मैं आनंद रूपी रस से भरी हुई भारत जनता अस्मि, भारत की जनता हूँ। मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मोहित है, मेरे नृत्य से संपूर्ण संसार मोहित है, मेरे काव्य से संपूर्ण संसार मोहित है। मैं आनंद रूपी रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक, उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम। अहम उत्सव प्रिया, शरम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता अस्मि, अहम भारत जनता अतिथि देवा वर्धे। अर्थात अहम मैं या मुझे उत्सव प्रिया उत्सव प्यारे हैं, मुझे उत्सव प्यारे हैं, मेहनत परिश्रम प्यारे हैं, पद यात्रा पैदल यात्रा, देशाटन देश विदेश में घूमना प्रिय अच्छा लगता है, लोक क्रीड़ा सकता स्थानीय खेलों में आसक्ति लगाव अनुराग अस्मि हूँ। अहम मैं भारत जनता, भारत की जनता अतिथि देवा, अतिथि को देवता से वृद्धे बढ़कर। मुझे उत्सव प्यारे लगते हैं, परिश्रम प्यारा लगता है, मुझे पैदल देश विदेश में घूमना अच्छा लगता है, स्थानीय खेलों में मेरा लगाव है अनुराग है। मैं भारत की जनता अतिथि को देवता से बढ़कर मानने वाली हूँ। आगे, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, नो दुर्बलता यह प्रियाय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। अन्वे, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, दुर्बलता यह प्रियाय न अस्ति, अहम संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैत्री में सहजा, मैत्री मित्रता में मेरा सहजा सहज प्रकृति स्वभाव अस्ति है, दुर्बलतायाः दुर्बलता का अथवा कमजोरी का पर्याय पर्याय नहीं अस्ति है। अहम मैं संसारम संसार को मित्रस्य मित्र की चक्षुषा दृष्टि से पश्यन्ति देखती हुई अथवा देखने वाली भारत जनता भारत की जनता अस्मि हूँ। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, ये हमारी कमजोरी का पर्याय नहीं है अर्थात हमारी दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मैं संसार को
मित्र की दृष्टि से देखती हुई अथवा देखने वाली भारत की जनता हूं। अगला श्लोक, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता। अन्वय, अहम विश्वस्मिन् जगति गतास्मि, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, अहम विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि, अहम कर्मण्या भारत जनता अस्मि। अर्थात अहम मैं विश्वस्मिन् जगति, यहाँ पर विश्वस्मिन् जगति का विशेषण है, अर्थात जगति विशेष्य है और विश्वस्मिन् विशेषण रूप में लिया गया है, अर्थात संपूर्ण संपूर्ण जगति संसार में गता गई हुई अस्मि हूँ। अहम मैं विश्वस्मिन् संपूर्ण जगति संसार में सदा हमेशा दृश्य देखी जाती हूँ। अहम मैं विश्वस्मिन् संपूर्ण जगति संसार में कर्मम कर्म करोमि करती हूँ। अहम मैं कर्मण्या कर्मठ भारत जनता भारतीय जनता अस्मि हूँ। मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ, अर्थात व्याप्त हूँ। मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ। मैं संपूर्ण संसार में कर्म करती हूँ। मैं कर्मठ भारत की जनता हूँ। अब हम इस पाठ में आए प्रश्नों को अभ्यास भाग में हल करते हैं। पहला प्रश्न, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरु, पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। प्यारे बच्चों, हम इसका सस्वर वाचन कर चुके हैं, अब आप स्वयं इन पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। प्रश्न दो, प्रसन्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में एक पद में लिखिए। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ, अर्थात भारत की जनता पूरी पृथ्वी को क्या मानती है, अपना परिवार, तो उत्तर होगा कुटुंबम। अगला प्रश्न, मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरा सहज स्वभाव क्या है, भारत की जनता का सहज स्वभाव क्या है, मित्रता करना, तो उत्तर होगा मैत्री। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किससे कठोर भारत की जनता हूं, अर्थात पाठ के अनुसार बज्जर से भी कठोर है भारत की जनता, तो उत्तर होगा कुलिसाद। अगला प्रश्न, अहम मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, मैं मित्र की दृष्टि से देखती क्या देखती हुई भारत की जनता हूँ, अर्थात भारत की जनता किसको मित्र की दृष्टि से देखती है, पूरे संसार को मित्र की दृष्टि से देखती है, तो उत्तर होगा संसारम। अगला प्रश्न, प्रसन्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, भारत जनता हम कई परिपूता अस्ति, मैं भारत की जनता किसके द्वारा पवित्र हूं, पाठ के अनुसार हमारा उत्तर होगा भारत जनता हम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नान ही परिपूता अस्मि, मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा पवित्र हूं। अगला प्रश्न, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार किससे मोहित है, किससे मुग्ध है, उत्तर होगा समम जगत मम काव्यई गीतई नृत्यश्च मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार मेरे काव्य से गीतों से और नृत्य से मोहित है। अगला प्रश्न, अहम किम किम चुनौमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ, पाठ के अनुसार क्या क्या चुनती है भारत की जनता, अहम प्रेय श्रेयश्चोभयम् चिनोमि, मैं प्रिय और कल्याणकारी दोनों रास्तों को चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्य, मैं हमेशा कहाँ देखी जाती हूँ, कहाँ दिखाई देती हूँ, उत्तर होगा अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, मैं इस संपूर्ण संसार में हमेशा देखी जाती हूँ। समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, पूरा संसार संपूर्ण संसार किस किस के द्वारा मुग्ध है, मोहित है, प्रश्न नंबर ख और ङ एक जैसे हैं, इसलिए उत्तर भी उनका एक समान ही होगा। समम जगत मम गीतई नृत्यई काव्यश्च मुग्धम अस्ति, सारा संसार पूरा संपूर्ण संसार मेरे गीतों से नृत्य से और काव्य से मोहित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चार, संधि विच्छेदम कुर्यत, संधि विच्छेद की जगह पूरा कीजिए। पहला पद है विनयोपेता, विनय धन उपेता, अगला है कुस्मादपि, कुस्माद धन अपि, चिनोम्योभयम्, चिनोमी धन उभयम्, नृत्यैर्मुग्धम्, नृत्य ही धन मुग्धम्, प्रकृतिरस्ति, प्रकृति ही धन अस्ति, लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक क्रीड़ा धन आशक्ता। अगला प्रश्न, विशेषण विशेष्य पदानि मेलियत, विशेषण और विशेष्य शब्दों का
मिलान कीजिए। यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न के अनुसार आपके ये विशेषण पद है और ये विशेष्य पद है। सुकुमारा सहजा विश्वस्मिन समम समस्ते जगत संसारे भारत जनता प्रकृति जगति। तो इस लाइन से इधर हमने हल करके आपके लिए लिख दी है। सुकुमारा के साथ विशेष्य पद रहेगा भारत जनता, और सहजा के साथ प्रकृति, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन जगति, समम जगत, समस्ते संसारे। अगला प्रश्न 6, समानार्थकानि पदानि मेलियत, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ ये शब्द जगति, कुलिशात, प्रकृति, चक्षुषा, तटिनी, वसुंधरा शब्द हैं, और इस साइड में इनके समान अर्थ वाले शब्द हैं जिनका हमें मिलान करना है। नदी, पृथ्वी, संसारे, स्वभाव, वज्रात और नेत्र। तो जगति के साथ संसारे, ये यहाँ पर संसारे आएगा। कुलिसाद, कुलिसाद के साथ वज्रात, कुलिसाद वज्रात। प्रकृति स्वभाव है, प्रकृति स्वभाव है। चक्षुषा, चक्षुषा के समान अर्थ वाला शब्द है नेत्रेर, चक्षुषा नेत्रेर। तटिनी, तटिनी का समान अर्थ शब्द है नदी, तो तटिनी के साथ नदी। वसुंधरा, वसुंधरा के साथ रहेगा पृथ्वीम, तो वसुंधरा पृथ्वीम। अगला प्रश्न उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखित। उचित कथनों के सामने हाँ और अनुचित कथनों के सामने न, ऐसा लिखिए। पहला कथन है अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की दृष्टि से संसार को देखती हूँ, तो ये कथन सत्य है। ध्यान रखें पाठ में मित्रस्य चक्षुषा शब्द आया है, लेकिन यहाँ भी परिवारस्य शुद्ध कथन है, इसलिए आएगा आम। समम जगत, मम काव्य मुग्धमस्ति, संपूर्ण संसार मेरे काव्य से मोहित है, सत्य कथन है, सच है, तो सही कथन है, इसलिए आम आएगा, आम। अहम अविवेक भारत जनता अस्मि, मैं भारत की जनता अविवेकी हूँ, विवेकहीन हूँ, गलत कथन है, क्योंकि सुविवेका भारत जनता शब्द पाठ में आया है, अविवेका गलत कथन है, तो न रहेगा, न। अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये, मैं संपूर्ण पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हूँ, गलत कथन है, क्योंकि मैं संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ, वह सही कथन है, या गलत होने के कारण न आएगा, न। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मि, मैं विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, सही कथन है, इसलिए आम। धन्यवाद।